दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसको लेकर कुक्षी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बोंदर सिंह मुजालदा के नेतृत्व में कुक्षीनगर के विजय स्तंभ चौराहे पर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुक्षी विधानसभा अध्यक्ष बोंदर सिंह मुजालदा, मुकाम सिंह बघेल, प्रदेश प्रवक्ता मदन सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष मनोज, दिलीप, बलराम, रामाजी, असरार, शेखर, संदीप, अशरफ, विनायक उपस्थित रहे लेने हेतु बड़वानी गए हैं। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। आज दिल्ली एमसीडी का जो आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है, 15 साल से काबिज भाजपा को झाड़ू ऐसी चली दिल्ली में कि सुपड़ा साफ, पूरी तरह दिल्ली का जो गंदगी फैला रखी थी भाजपा शासन काल में, आम आदमी पार्टी पे दिल्ली के मतदाताओं ने जो विश्वास जताया है कि दिल्ली को साफ और स्वस्थ बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली वासियों ने जिस तरह मतदान किया है, इसलिए उसी खुशी में आज हमने कुक्षी विधानसभा में विजय स्तंभ चौराहे पे फटाके जला के खुशियां जाहिर की है और हम दिल्ली के एक एक मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। सर, गुजरात में एग्जिट पोल में बीजेपी बता रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरह एग्जिट पोल बताए थे, गुजरात में भी बीजेपी को आगे बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाबी हो सकती, कांटे की टक्कर रहेगी और गुजरात की जनता पूरी तरह मोंड के मतदान की है कि बीजेपी जो हवाबाजी कर रही है, कल 12-1 बजे तक गुजरात के नतीजे भी साफ हो जाएंगे और गुजरात भी भाजपा की खोली से जाने वाली है और वहां पर गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलने वाली है और गुजरात भी जीतेंगे। बोंदर सिंह मुजालदा, कुक्षी विधानसभा अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।